हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स में अल्टरनेटिव करेंट के चैप्टर चल रहे हैं, जिसमें देखेंगे अपन वाट इन धारा, वाट इन करेंट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अपना कौन सा अभी चल रहा है? फिजिक्स में चल रहा है, ठीक है जी, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, वाटलेस करेंट होता क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं। ठीक है, यदि किसी परिपथ में केवल शुद्ध परिकत्व या शुद्ध धारिता है, मतलब बोलने का मतलब है कि कोई भी एक परिकत्व होना चाहिए या तो धारा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तथा प्रतिरोध का मान शून्य है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा में 90 डिग्री का कलांतर होता है। ठीक है जी, तो इस स्थिति में परिपथ की औसत शक्ति कैसे होती है जी, इसके बारे में समझेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए PAV इक्वल होता है VRMS मल्टीप्लाई IRMS, ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है कॉस थीटा फाई की मान अपन 90 डिग्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा जी, VRMS मल्टीप्लाई RMS कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की मान अगर अपन जीरो रख देते हैं तो क्या आ जाता है जी, यहाँ पे अगर कॉस 90 डिग्री की मान अगर जीरो रख नाइन जीरो हो आता है, अपने को पता है, तो अगर जीरो करेंगे तो पूरी मान क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी क्या। तो इसी चीज़ को बोला जाता है, यदि किसी परिपथ या धारा परिपथ में केवल शुद्ध परिकत्व या शुद्ध धारिता है, तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य है, तो परिपथ में धारा तो परिवाहित होती है, किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता। ठीक है जी, परिपथ के इस धारा को वाट इन धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन इसको डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपको मैं लिख के दिखाता हूँ जी। ठीक है, देखिए, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध परिकत्व या शुद्ध धारिता धारिता है, तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य है, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होती है। इससे इस धारा को क्या कहते हैं जी, वाट इन धारा कहते हैं, मतलब वाटलेस करेंट कहते हैं। ठीक है जी, तो अपन इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझा जाए तो देखिए कैसे समझेंगे। ठीक है, तो अपन इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझेंगे तो यह देखिए, ऐसा संभव है कि कोई भी परिपथ प्रतिरोध नहीं होती, प्रतिरोध की कुंडली संधारित्र या सहयोग के तार में कुछ प्रतिरोध होती है, शुद्ध परिकत्व, देखिए शुद्ध परिकत्व है यहाँ पे है, ऐसे करके शुद्ध मतलब चक्रण पूरा हो रहा है, एक चक्र यहाँ पूरा हुआ, सेकंड चक्र यहाँ पूरा हो रहा है,
एक पॉजिटिव भी चल रहा है, एक निगेटिव चल रहा है, दोनों को अगर जोड़ दे तो एक चक्र पूरा होता है, ठीक है ना जी। एम्पलीट्यूड अगर पॉजिटिव में भी हो रहा है और एम्पलीट्यूड निगेटिव भी हो रहा है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो अपना एक चक्र पूर्ण हो जाता है। अपन तो पिछले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। तो इसी को अगर आगे देखा जाए तो तक्षणिक मान आई वोल्टेज वी शक्ति पी के वक्र खींचे गए, जिसमें से यह स्पष्ट होता है कि औसत शक्ति पी शून्य होती है। एक चौथाई वक्र के में प्रेरकत्व प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में ऊर्जा लेकर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करता है। अगले चौथाई चक्र में प्रेरकत्व का चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, अर्थात अपनी ऊर्जा लौटा देती है। इस प्रकार प्रेरकत्व स्रोत में कोई और ऊर्जा नहीं लेती। इस प्रकार से संधारित्र वाले परिपथ भी एक चौथाई वक्र में प्रत्यावर्ती स्रोत में जितना ऊर्जा लेती है उसके चौथा चक्र में स्रोत में लौटा देती है। मतलब चौथा चक्र बोले तो एक दो तीन चार चौथे चक्र में लौटा देती है, ये चीज़ बोल रहा है। अगर देखें अपन डिफिनेशन में भी वाटली डेफिनेशन पढ़ी, तो अगर देखिए यहाँ से अपन कोई भी चीज़ को अगर यहाँ पे 100 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ तक वो जाएगी ऐसे करके इस चक्र में ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर जितना हमें मिलेगा वो कितना रहेगा जी, 100 वोल्ट रहेगा। मतलब एक दाना उसमें क्या होगा, वाटलेस करंट रहेगा, कोई भी क्षय नहीं होगा, ठीक है जी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट बोलते हैं। यही कारण है कि प्रत्यावर्ती परिपथ के धारा नियंत्रक के लिए प्रेरकत्व या रीता का उपयोग करते हैं, ठीक है जी। और आगे देखें तो इसके लिए प्रदीप्त नलिकाओं में चोक कुंडली या पंखों के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है इसमें अगर बोल रहा है आप तो कैसे लिखेंगे जी, तो किसका प्रयोग कर रहा है, प्रतिदीप्त प्रदीप्त कुंडली और एक होती है पंखों के संधारित्र, पंखों के पंखों के संधारित्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नए क्लास में, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं जी, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।